नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। पहले तो दोपहर तक ये बाउंसर था कोरोना वायरस का, लेकिन शाम होते होते शायद कोरोना वायरस क्रिकेट को, खेल को बोल्ड कर गया, क्लीन बोल्ड कर गया। दोपहर को आईपीएल पर फैसला आया, आईपीएल 15 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि टल गया है। जिसकी उम्मीद 15 अप्रैल के बाद पूरा प्लान बना लिया गया है कि किस तरह से आईपीएल कराया जाएगा, बिना क्राउड के कराया जाएगा, शायद थोड़ा छोटा आईपीएल होगा, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि कोरोना वायरस को हम रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। शाम होते होते ठीक 5:30 बजे खबर आती है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो 2 वनडे मैच की सीरीज बची हुई थी वो भी रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। साउथ अफ्रीका की टीम वापस चली जाएगी अपने मुल्क। तो ये 2 बड़ी खबरें क्रिकेट के मैदान से आई हैं आज भारतीय क्रिकेट के मुतालिक। आईपीएल 15 अप्रैल तक टल गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। कहते हैं कि फास्ट मूविंग डेवलपमेंट्स अचानक से 24 घंटे में कहां से कहां पहुंच गए, पूरे खेल जगत में, पूरी दुनिया में, भारत में आईपीएल 15 अप्रैल तक सस्पेंड हो गया, ये वनडे सीरीज रद्द कर दी गई। सनी भाई, पहले आपसे, जिस तरह से पिछले 48 घंटे में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के पैनिक को लेकर प्रिवेंशन आई हैं, आप हैरान हैं या सहमत हैं दोनों चीजों से? आईपीएल 15 अप्रैल तक टल गया और ये वनडे सीरीज रद्द हो गई। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है उससे मैं एकदम सहमत हूँ, क्योंकि ये निर्णय लेना आवश्यक था, क्योंकि देखिए सबकी हेल्थ पर ख्याल रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जहाँ पे बड़ी गैदरिंग होती है, और आप जानते हैं कि आईपीएल में 30,000-40,000 लोग आते हैं, फिर उसके बाहर, मतलब 30,000 स्टेडियम में होते, कुछ 8-10,000 बाहर होते, होटल के लॉबी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो इंटरेक्शन बनती है तो उससे ये कोरोना वायरस फैलने की संभावना ज़्यादा है। तो मैं बीसीसीआई से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो, मतलब, सिर्फ भारतीयों को बेनिफिट के लिए नहीं लिया, पर सारे, मतलब, दुनिया के। जैसे कि आपने कहा अभी कि बाहर के टेक्नीशियंस भी आने वाले हैं, कैमरामैन आते हैं, अंपायर्स आते हैं, प्लेयर्स आते हैं।